लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। राजशेखर आजाद बोल रहा हूँ। वसीम खान को मारने से पहले ये नहीं जानना चाहोगे कि वसीम खान कौन है और उसने जेल में बैठे बैठे किस तरह किसकी मदद से पहले जुलूस फिर दंगा ऑर्गेनाइज करवाया? अगर जानना चाहते हो तो आज रात 11 बजे ससून डॉक्स के कंटेनर यार्ड में अकेले आकर मुझसे मिलो। ठीक है। आपने? हाँ, मैंने कहा था। वसीम खान के बारे में आप? यस, वसीम खान सिर्फ एक टेररिस्ट ही नहीं, वो एक पावरफुल इंटरनेशनल रैकेट का हिस्सा है। उसे कस्टडी में तो कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल में नहीं, उसे कोई भी कंट्रोल में नहीं कर सकता। तुमने जब से उसे गिरफ्तार किया है मेरी परेशानियां बढ़ गई हैं। तुमने उसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया तो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा। उसे बहुत दिनों तक कस्टडी में रखना डेंजरस होगा, इसलिए जल्द से जल्द उसे सेफली इंडिया से बाहर भेजना होगा। व्हाट? आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं सर? सर, आप वसीम खान को अच्छी तरह से जानते हैं सर। आज जोगेश्वरी में जो दंगे फसाद हुए वो सब उसी ने किए और वो सब उसने मेरी कस्टडी में होते हुए किया सर। उसकी वजह से आज सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए और आप कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो? नहीं सर, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा उसे। इस देश के बाहर सिर्फ उसकी लाश जाएगी, सिर्फ उसकी लाश। देखो, दंगे फसाद होते रहते हैं, लोग मरते रहते हैं, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? यू आर ए पुलिस ऑफिसर, बिहेव लाइक ए पुलिस ऑफिसर। तरक्की करनी है तो कुछ चीजों को इग्नोर करना सीखो। तुम्हें दंगों के बारे में कब पता चला? आज सुबह। मुझे दो दिन पहले से मालूम था। क्या आपको दो दिन पहले पता था? इतना ही नहीं, वसीम खान पिछले दो महीने से महाराष्ट्र में था और मेरी वजह से बचा रहा। उसे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया लेकिन तुमने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। वसीम खान तुम्हारी इस हरकत से बहुत नाराज हैं। बट डोंट वरी, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। देखो, मैं जानता हूं तुम अंजलि और बच्चों से बहुत प्यार करते हो, तुम नहीं समझोगे। ये बड़े ऊंचे दर्जे के पावर गेम है, तुम इस चक्कर में मत पड़ो। सेफ्टी के साथ वसीम खान को बाहर भिजवाने का बंदोबस्त कर दो। हाँ, अगर ऐसा करते हो तुम्हारा जमीर तुम्हारे आड़े आता है तो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर बीवी बच्चों के साथ बाहर चले जाओ। सारा इंतजाम मैं कर दूंगा। Go ahead.
तुम्हारी स्पेशल सेल में जो ऑफिसर्स हैं उनकी मौत की खबर सुनकर तुम परेशान मत होना, क्योंकि वसीम खान के निकलने के लिए उनका मरना बहुत जरूरी। बॉडी को डिस्पोज कर दो। कब से इंतजार कर रही हूं मैं, जल्दी अंदर चलिए। क्या देख रहे हैं, चलिए ना। बैठिए बैठिए, आपको कुछ बताना है। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। एक मिनट, सरप्राइज, ये लीजिए अपना फेवरेट डिश। चलिए मुंह मीठा कीजिए। जानते हैं क्यों? पेपर पढ़िए। पापा को स्टेट अवार्ड मिला है, आप तो जानते ही है ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी उनसे मिलने नहीं गई, फोन तक नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि आप उनके इकलौते दामाद हैं, और अगर हम लोग कल साथ में जाकर उन्हें बधाई दें तो उन्हें बहुत खुशी होगी। मैंने तो स्पेशल हार का ऑर्डर भी दे दिया है।
सर, हम सब पुलिस अफसर बनने की उम्मीद छोड़ चुके थे और डिप्रेशन में आकर हम क्राइम की तरफ मुड़ सकते थे, लेकिन आपने हम सबको अपने साथ रखकर गुनहगार होने से बचा लिया। लेकिन हम सब कंफ्यूज है सर, हम आपको समझ नहीं पा रहे। सर, आप ही ने डीजीपी साहब को मारा और आप ही उनका क्रियाकर्म कर। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। हम आपका मतलब नहीं समझे सर। देश का बेटा हूँ इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। दामाद हूँ इसलिए अंतिम संस्कार कर रहा हूँ। सर, डीजीपी साहब सिर्फ वसीम खान से मिले हुए थे इसलिए आपने उन्हें मार डाला। फिर वसीम खान जिंदा क्यों है? उसे तो मैं कभी भी मार सकता हूँ, लेकिन वो असली दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन तो वो लोग हैं जो इस देश के होकर भी इस देश की नींव खोद रहे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि डीजीपी साहब ऐसा कर सकते हैं, और ना जाने ऐसे कितने और लोग होंगे। वसीम खान के जरिए ही मैं उन तक पहुंच सकता हूं, इसलिए वसीम खान का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग डीसीपी राजशेखर आजाद साहब। जोगिंदर सिंह, सीबीआई ऑफिसर। आइए। थैंक यू। डीसीपी साहब, आपको नहीं लगता कि सीबीआई वाले आजकल पुलिस वालों से ज्यादा बिजी हैं? पहले जब हवाला कांड होता था, बोफर्स कांड, चारा कांड होता था तो हमें बुलाया जाता था, लेकिन आजकल पूछिए मत। मैच फिक्सिंग, कैच फिक्सिंग, नहर नहीं बनी, गटर नहीं खुदा, छोटे से छोटा केस सीबीआई के हवाले। मैं तो सोच रहा हूं होम मिनिस्ट्री को लिखूं कि हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में पुलिस चौकी को हटा के सीबीआई चौकी बना दी जाए। क्या ख्याल है आपका? अच्छा छोड़िए, मजाक करने की आदत है मेरी, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। जिनका कत्ल हुआ वो सिर्फ आपके फादर इन लॉ नहीं थे, डीजीपी भी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अच्छा ये बताइए, आपके फादर इन लॉ का कोई नजदीकी रिश्तेदार या कोई जिगरी दोस्त था? आप भी कमाल कर रहे हैं जोगिंदर सिंह जी। सारे ऑफिसर्स ये पूछते हैं कि जिसका खून हुआ उसका कोई दुश्मन था क्या, और आप दोस्त और रिश्तेदारों के बारे में पूछ रहे हैं। यू आर राइट, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। वैसे भी डीसीपी साहब, घर हो या देश, गैरों से ज्यादा अपनों से खतरा होता है। हमारे अलावा उनका और कोई नहीं था, दोस्त मैं ही था उनका। तो फिर कहीं ये खून आपने तो नहीं किया? मैंने कहा ना, मजाक करने की आदत है मेरी। खैर, जिसने भी ये खून किया है बहुत अकलमंदी के साथ किया है, और जाहिर है ऐसे आदमी तक पहुंचने के लिए उससे ज्यादा अक्ल की जरूरत है, और अक्ल कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो बाजार में बिकती हो। लेकिन फिर भी हमें कोशिश तो करनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अब तो इस घर में आना जाना लगा रहेगा जब तक कातिल का पता ना चल जाए। आई जस्ट वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। देखिए आप रोइए मत प्लीज, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके फादर के कातिल को मैं बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा। वो कोई भी हो, कहीं भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। देखिए, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर है, जिसने मेरे पापा को मारा, अगर उसी ने मेरे पति को, आप प्लीज जल्दी कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। I'll see you later. अंजलि, जो होना था सो हो गया। फिजूल की बातें सोचकर अपने आप को परेशान मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा।